हर आदिवासी समुदाय की अलग अलग संगीत कलाएं होती है और वो कलाएं उन समुदाय की पहचान होती है। उसी तरह हमारे खोतीगांव के विलिप कम्युनिटी के विलिप समुदाय के लोग भी ये कलाएं अलग अलग अवसर पर गाती है। आज के जमाने के लोग अपना इतिहास कहानियां सब लिख कर रखते हैं, लेकिन पुराने लोगों के पास शिक्षा न होने के कारण अपना इतिहास पुरानों के कथा सब इस तरह के गाने से संचित रखे थे। ये गाने सुनने से सुनने वालों को इस समुदाय का इतिहास अपनी परंपरा की पूरी जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ अपना इतिहास जानने से लोगों पर अच्छे अच्छे संस्कार भी होते हैं। कसले गाने म्हणता येगा गाण्याक सरंतरेचे? आणि हे गाणे केन्ना सन गायता आता? पहिले ना वो वळला तान। कितली वर्षा झाली? वर्षा किती छुपाती वर्षा खूप जाऊना। ओके, आणिक हे गिन्यान सांजे वेळे बसून गिन्यान सांगप। आता एक नका टी व्ही आसा, पहिले ते गाणे आशिल्ले। हे गाणे कोण कोण गायता? थोडेचे कोण गायता कोण जाणू आहे ते? जाणटेले का नेणटेले? जाणटेले नेणटेल्यान शिकून घेऊन येता ते। मैं भी इसी समुदाय का होने के कारण ये गाने मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज के बच्चे लोग इसको अच्छा नहीं मानते, इसीलिए थोड़ा बहुत दुख होता है। इसके साथ साथ हमारे विलिप आदिवासी समुदाय के वंशज कौन थे, वे क्या करते थे और हम लोग पहले किस तरह खेती करते थे और घर परिवार किस तरह चलाते थे, अब कैसे चलना है, घर में स्त्रियों ने किस तरह का व्यवहार करना है, ये भी संस्कार उन गानों से होती है। ये जो हमारे समुदाय की इतनी अच्छी कला है, इतने अच्छे गाने हैं, वो कला हम बच्चों ने सीखना चाहिए, युवाओं ने सीखना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने वो जो कला संभाल कर रखी थी वो कला हमें जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि ये कला ही हमारी परंपरा है, इतिहास है और हमारी अलग पहचान है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी कलाएँ सरकार द्वारा लिखित हो जाए और हमारे समुदाय के नए पीढ़ी इस कला को अपनी रुचि दिखाए। मैं देवीदास गांवकर, इंडिया अनर्ड के लिए, खोतीगांव, काणकोणा, गोवा से।